नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और कॉपी पेंसिल अपने पास रखिएगा और महत्वपूर्ण बातें हैं उनको नोट करिएगा। आज की खबरों में हम महत्वपूर्ण बातें करेंगे और जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से संबंधित होगा, चाहे वो प्रीलिम्स की दृष्टि से हो या फिर मेंस की दृष्टि से हो या फिर जो भी हमारे व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से हो, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ये केवल करंट अफेयर का डिस्कशन नहीं होता है, समग्र रूप से हम इसको डिस्कस करते हैं। और सबसे पहली बात, अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके माध्यम से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइए आज की बातें डिस्कस करते हैं। पहली न्यूज है कि इंटरनल डेमोक्रेसी की बात होती है। और इंटरनल डेमोक्रेसी का बात मतलब ये है कि हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है और पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र भी होना चाहिए। अगर हमारे देश में लोकतंत्र है तो पार्टियों में क्या होना चाहिए? आंतरिक लोकतंत्र भी होना चाहिए, जिससे हमारे लोकतंत्र को, हमारे देश के लोकतंत्र को, जो पार्टी का लोकतंत्र है, वो क्या कर सके? मजबूत कर सके। ठीक है, तो ये बात हमने समझी। मतलब इंटरनल डेमोक्रेसी क्या है, मतलब कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, चाहे वो अध्यक्ष पद को लेकर हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग निर्णय में हो, तो उसके बहुत सारे लाभ होते हैं। तो आइए इस बात को समझते हैं, क्या इशू है, क्या बातें हैं। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने परमानेंट प्रेसिडेंट किसी पार्टी का हो, लाइफ टाइम, उसको रिजेक्टेड किया है। पार्टी आंध्र प्रदेश की एक पार्टी है, उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा कि आप ऐसा कर दो कि चीफ मिनिस्टर एज ए पार्टी के प्रेसिडेंट रहे लाइफ टाइम के लिए। तो उस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये गलत है, ये हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों, मूल्यों के खिलाफ है। ठीक है, आइए बात करते हैं इंटरनल डेमोक्रेसी या इंटर पार्टी डेमोक्रेसी क्या है। इसका मतलब है कि हम ऐसे लेवल डेवलप कर दें, ऐसे मेथड मेथड डेवलप कर लें जिससे पार्टी के मेंबर डिसीजन मेकिंग में अपना योगदान दे सकें, उनको डिलीवर कर सकें और पार्टी के स्ट्रक्चर के अनुसार काम कर सकें। मतलब कि कहने का मतलब है कि किसी भी पार्टी में किसी एक व्यक्ति की नहीं चलना चाहिए, उस पार्टी के सिद्धांतों और विचारों का योगदान महत्वपूर्ण होना चाहिए, चाहे वो अध्यक्ष पद को हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग को हो, मतलब कि और जितने भी कार्य हैं पार्टी से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित, हमारे देश में लोकतंत्र से संबंधित, तो उसमें पार्टी के सिद्धांत सर्वोपरि होने चाहिए, संगठन के सिद्धांत सर्वोपरि होने चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति के। ठीक है, तो ये बात, जैसे हमने देखा किसी पार्टी में परिवारवाद के कारण उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। मैं स्पेशली पार्टी का नाम नहीं लूंगा, आप सब समझते हैं कहाँ बात हो रही है। परिवार के वंश के अनुसार उनको अध्यक्ष बनाया जाता है, वो लेगेसी को सर्व करते हैं क्योंकि उनके पूर्वजों ने अच्छा काम किया है। ठीक है, तो ये सारी बातें कही हैं। अब बात करते हैं इंडिया और साउथ एशिया में, यही है कि पारिवारिक लेगेसी को आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे पाकिस्तान ले लो, म्यांमार ले लो, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल। तो यहाँ पे क्या है, जो भी वंशवाद की राजनीति हमको देखने को मिलती है, हमारे भारत देश में भी कहीं ना कहीं देखने को ये चीज मिलती है। आप मतलब कि पार्टी सर्वोपरि ना होके व्यक्ति सर्वोपरि हो जाता है, हमको ये देखने को आया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी पार्टी हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, उसके क्या रूल्स हैं, क्या मतलब कि ऐसा कुछ रूल्स है, क्या ऐसा कोई लॉ है जो हमारे पार्टी में, मतलब कि रेगुलरली इलेक्शन हो। तो कुछ रजिस्टर्ड पार्टियां होती हैं, इसके कुछ मानदंड होते हैं संविधान के अनुसार कि 6% वोट मिलना चाहिए, 4 स्टेटों में स्टेट पार्टी होनी चाहिए। इसको हमने एक पिछले से पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपको पार्टी के मानदंड देखने हो तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। आरपी एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 में अगर कोई पार्टी रजिस्टर्ड है तो सेक्शन 29A बोलता है कि उसको
पार्टी को इलेक्शन को कंडक्ट कराना चाहिए, लीडरशिप है जो नेतृत्व है उसको रिन्यू करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, और री इलेक्शन होना चाहिए प्रत्येक 5 वर्ष में। ठीक है, तो इस बात को आप समझेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल पार्टी का उस कैंडिडेट पे भी अप्लाई होगा। और आर्टिकल 324 सेक्शन 29A आरपी एक्ट 1951, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देते हैं कि आप इंटरनल स्ट्रक्चर को मजबूत करें, ऑर्गेनाइजेशन करें, इलेक्शन ऑफ पार्टी का कराएं। ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी एम्पावर करने की कोई स्टेचुरी पावर नहीं है, मैं उसके पास ऐसा कोई लॉ नहीं है जिससे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश कर सके, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रेल्ट ऑफ प्रोसीजर पे पार्टी में मतलब कि जो भी फॉलो होती है उस पे क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्रिटिसाइज नहीं करेगा अगर कोई इलेक्टेड हो जाता है अनअपोज तरीके से, मतलब किसी ने विरोध नहीं किया है वो इलेक्टेड हो गया है। 1990 में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बने जिनका नाम है टीएन सेशन। इनने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दी। कहने का मतलब है शेर के मुंह में दांत तो थे लेकिन उनको मतलब कि उनको तराशा किसने, टीएन सेशन ने। तभी से बहुत सारी परंपराएं चली आ रही हैं और उनने भारत में इलेक्शन सिस्टम को काफी मजबूत किया है, काफी अच्छा काम किया। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर था। दूसरा, अदर देशों में क्या सिस्टम है प्रेसिडेंटी मतलब कि पार्टी का, अगर प्रेसिडेंट किसी को नॉमिनेट करना है तो क्या है, तो वहां पे क्या होता है, डिबेट होती है, नॉमिने होते हैं, मतलब कि प्रेसिडेंट नॉमिनी किया जाता है। ठीक है, क्रिटिसाइज करते हैं ईच अदर को। और ऐसा ही को सिस्टम क्या है, यूके में है। ठीक है, मतलब कि ओपनली डिबेट होती है वहां पे और तब उनको कहीं जाके प्रेसिडेंट के रूप में नॉमिनेट किया जाता है। इसके संबंध में लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी कि इंडिया में जो इंटरनल डेमोक्रेसी है जो पार्टी की, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ मैकेनिज्म अपनानी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 2011 में एक ड्राफ्ट भी सबमिट किया यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को, किसको और स्ट्रेंथ करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो एग्जिस्टिंग लॉ है उनको और इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता है। 1990 में जो टीएन सेशन ने काम किया वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो अगर किसी पार्टी में डेमोक्रेसी होती है, देश में अगर डेमोक्रेसी होती है, तो उसके क्या फायदे होते हैं। सबसे पहली बात है कि लोगों को मौलिक अधिकार मिलते हैं, वो न्याय को एक्सेस कर सकते हैं, लोगों को व्यक्तिगत सिविल क्या मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है, लिबर्टी मिलती है, सोशल राइट मिलते हैं, समानता स्थापित होती है, गवर्नमेंट को संतुलित कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट अराजकतावादी कदम उठाती है, स्वतंत्रता को खत्म करती है, तो उसके खिलाफ हम चेक और बैलेंस स्टैब्लिश कर सकते हैं। इफेक्टिव पार्लियामेंट काम कर सकता है, अगर सभी लोग स्वतंत्र रूप से बोलेंगे तो पार्लियामेंट में लोग क्या होंगे, सम्मान स्थापित होंगे, लोग किसी मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे। अगर पार्टी में पार्टी सिद्धांतों को सर्वोपरि माना जाएगा, ना कि किसी व्यक्ति को। जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंट होगा अगर पार्टी सिस्टम मौजूद होगा, मीडिया इंटीग्रिटी होगी, मीडिया में किसी एक मतलब कि मीडिया सरकार की अच्छी बातें भी बताएगा, बुरी बातें भी बताएगा, और भ्रष्टाचार खत्म होगा, और जो इन्फ्लुएंस मतलब कि जो मतलब कि बलपूर्वक किसी कार्य को करवाया जाता है उस पे लगाम लगेगी, सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, इलेक्शन चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, और जहां तक है जो प्रत्यक्ष जो हमारी लोकतंत्र है उसके सिद्धांत देखने को मिलेंगे। सब नेशनल इलेक्शन होंगे, क्लीन इलेक्शन होंगे, उसमें धन बल का उपयोग नहीं होगा, और सभी को वयस्क मत अधिकार ऐसा मिलेगा जो स्वभावी होगा, सभी को मतलब कि मत अधिकार लोग देंगे। ठीक है, और इलेक्टेड गवर्नमेंट इस पे काम करेगी, तो स्वतंत्र रूप से काम करेगी और चेक और बैलेंस की तरह क्या करेगी,
काम करेगी। ठीक है, तो हमने इसको डिस्कस किया। दूसरा चर्चा में है ईडब्ल्यूएस कोटा, इसके बारे में हमने विस्तृत पढ़ा है पूरा, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव डिस्कस किए हैं। अगर आपको देखना है तो हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, हम इसको तब भी शॉर्ट में डिस्कस करेंगे क्या है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है कि 10% कोटा जो ईडब्ल्यूएस को दिया गया है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और जो ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी राइट को खत्म नहीं करता है, उसमें बाधाएं उत्पन्न नहीं करता है। सबसे पहली बात है, इसको 103वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया 2019 में, और आर्टिकल 15 और 16 में इसको ऐड किया गया ताकि शैक्षिक संस्थाओं में लोगों को आरक्षण मिले जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और जो सरकारी नौकरी है, नियोजन है, उनमें लोगों को आरक्षण मिले। इसके लिए सरकार ने आर्टिकल 15(6) ऐड किया और 16(6) ऐड किया, जॉब में रिजर्वेशन दिया गया और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया गया। ठीक है, पहले क्या था, केवल मतलब कि प्योर इसमें कवर्ड नहीं थे, 50% आरक्षण दिया जाता था रिजर्व पॉलिसी में, उसमें एससी थे, एसटी थे और अदर बैकवर्ड के क्लासेस थे। ईडब्ल्यूएस को सेंटर और स्टेट दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं, आप इस बात को समझेंगे। और अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर में लिंक में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बेसल थ्री नॉर्म चर्चा में है, क्यों चर्चा में है कि बेसल फ्रेमवर्क एक कैपिटल रेगुलेशन होते हैं और जो वर्ल्ड में जितने भी बैंक होते हैं जो उनके सदस्य होते हैं बीआईएस के, उसके उनमें अप्लाई होते हैं। इनका मतलब होता है कोई भी मतलब कि बैंक में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे 2007-08 में आई थी, उसके बाद उसको रेगुलेशन करने के लिए आए, मतलब कि उसके बाद से इनने काम करना इफेक्टिव तरीके से किया बैंकिंग सेक्टर में, मतलब कि कोई मतलब कि बैंकिंग सेक्टर को इम्प्रूव करना, कोई अगर शॉक आता है जैसे कोई रिसेशन आ रहा है तो उसको दूर करना, एनपीए की समस्या को दूर करना, आर्थिक तनाव में आर्थिक संकट में समाधान करना, और जितनी भी रिस्क हैं तो उसको दूर करना, और कैपिटल में असावधानी बरतना, कैपिटल अगर किसी से कहीं से राज करते हैं तो वहाँ पे सावधानी बरतना। इसको सबसे पहले 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया था, G10 कंट्री में इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, संध्यान रखेंगे, कब, 1992 में, जब हमारे यहाँ एलपीजी रिफॉर्म आए थे 1991 में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। मेन काम है कि बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्म को इम्प्रूव करना, ठीक है, उनको क्राइसिस से बचाना। ठीक है, इसको डेवलप किया है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, और ये बीआईएस के अंतर्गत काम करती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, बेसल वन 1999 में आए, एक कैपिटल और स्ट्रक्चर रिस्क पे काम करते थे, एक और क्रेडिट रिस्क पे काम करते थे। इनने कहा कि आप 8% रिस्क वेटेड एसेट आपको रखना चाहिए, ये खत्म हो गए। अभी जो चल रहे हैं वो बेसल टू चल रहे हैं जो 2004 में आए, ऑपरेशन रिस्क, मार्केट रिस्क, कैपिटल रिस्क, इनके काम करते हैं। और इनके तीन पिलर हैं कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपके पास, सुपरवाइजरी रिव्यू होना चाहिए, और मार्केट आप डिसिप्लिन संबंधी कार्य करेंगे। ठीक है, इतना डिटेल में हमको पढ़ना नहीं है, मैंने तब भी लिख दिया है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बेसल थ्री 2 जनवरी 2023 से इफेक्टिव होंगे। ठीक है, बेसल थ्री में क्या है, ये मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस और मार्केट डिसिप्लिन पे काम करते हैं। ठीक है, इनमें ये बहुत सारी बातें हैं जैसे लिक्विड कवरेज रेशियो, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, ठीक है, लीवरेज रेशियो, इनहेंस लॉज ऑब्जॉर्प्शन कॉज, काउंटर काउंटर सिक्लिकल बफर, ठीक है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, पिलर टू सुपरवाइजेशन, मतलब कि फर्म वाइड कॉर्पोरेट गवर्नमेंस पे काम करना चाहिए, मैनेजिंग रिस्क होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, मार्केट क्रेडिट ऑपरेशन आदि संबंध में इसको कार्य करना चाहिए, इन पर डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, ये बातें महत्वपूर्ण है थोड़ी सी, तो आप इसको एक बार देख लेना। ठीक है, बेसल थ्री
कंप्लेंट बॉन्ड चर्चा में है इसलिए हम इसको चढ़ रहे हैं। बॉन्ड क्या होते हैं? इट टाई टू कैपिटल ऑफ बैंक पे काम करते हैं। टाई टू कैपिटल का मतलब है कहीं से आपने कैपिटल कहीं से बोरो की है। ठीक है, फेस वैल्यू इनकी 10 लाख ईच होती है। बियरिंग कूपन रेट इनकी 6.24% पर एनम होती है और 10 साल के लिए इनको एनुअली पेबल पे किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और आफ्टर 5 ईयर एनिवर्सरी के बाद इनको कॉल किया जाता है, ऑप्शन के लिए कॉल किया जाता है। और इसके बाद अब जब इनका मैच्योरिटी डेट आ जाती है तो जहां से आपने लिया है इन्वेस्टर को आप पूरा पैसा प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 10 साल की 10 लाख रुपए ईच फीस फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू का मतलब अंकित मूल्य कितना है उसका, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कूपन रेट कितना है 6.24%। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसको 17 मई 1930 को एस्टेब्लिश किया गया। हेड ऑफिस इसका बेसल में है। टू अदर ऑफिस हैं, हांगकांग में है और मेक्सिको सिटी में है। इसमें देश के जितने भी केंद्रीय बैंक के हैं मतलब कि विश्व के, वो काम करते हैं और कॉपरेशन पे बात करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और बैंकिंग रेगुलेशन से संबंधित काम करते हैं ताकि लोग बैंक क्या करें, अपनी क्राइसिस से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उसको कम कर सकें। इसीलिए इसलिए लेके आए हैं बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट के जज एलन राव ने अमेंड इसका जो संविधान है उसको अमेंड किया है और कहा है कि जो चुनाव सिस्टम है, चुनाव जो मंडल है उसको क्या करो, आप सही करो और इलेक्शन को कंडक्ट कराओ। ठीक है, तो ये न्यूज है। हम पढ़ लेते हैं ये बॉडी के बारे में। ये बॉडी भी क्या करती है, जितने भी हमारे एथलीट होते हैं सिलेक्ट होते हैं उनको मैनेज करती है। और ओलंपिक गेम, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम में इंटरनेशनल एथलीट मीट में भेजती है। इसकी स्थापना 1927 में हुई सर दोराबी जी ने और डॉक्टर ए जी न्यूहेरन ने। इस बात को ध्यान रखेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, इट प्ले विथ नेम ऑफ टीम इंडिया और कई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के रूप में काम करता है। ठीक है, और ये डेवलप करता है, प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है जो ओलंपिक मूवमेंट होते हैं कंट्री में उनको। इसमें जो 32 मेंबर होते हैं इसको प्रेसिडेंट के द्वारा हेल्ड किया जाता है और इसमें 4 साल में एक बार इसमें इलेक्शन होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, इंडिया ने फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इस्टेब्लिश किया है जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे और इसको इस्टेब्लिश करने में, इसको कंजर्व करने में हम आगे काम करेंगे और गल्फ ऑफ मन्नार जो पाक बे में है वहाँ पे इस्टेब्लिश करने का कार्य किया है। जैसे जैसे पाक बे है ना, ये इधर गल्फ ऑफ मन्नार है, तो यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं ना डिगोंग, ये पाया जाता है और इसको समुद्री गाय भी बोलते हैं, सी काउ बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, क्यों डिगोंग हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको सी काउ बोलते हैं, ये 4 सर्वाइविंग स्पीसीज हैं। ठीक है, ओनली ओनली एग्जिस्टिंग स्पीसीज एक ही, ओनली यही है जो हर्बी बोरस है मतलब शाकाहारी है, मैमल है। और ये सी में अदर भी मिलता है इंक्लूडिंग इंडिया। ये 30 से ज्यादा कंट्री में हमको देखने को मिलता है जिसमें गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ कच्छ है, पाक वे है और अंडमान निकोबार है। और इसके अलावा जो 29 कंट्री है वहां पे ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी जो आयोसीन स्टेटस है वो वनरेबल है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसमें शेड्यूल 1 में है और साइट्स के जो उसकी अपेंडिक्स 1 में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सरकार ने क्या स्टेप लिए हैं? सरकार 2020 में जो सीएमएस की जो मीटिंग हुई उसको होस्ट किया। सीएमएस का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, इसको बॉन बॉन कन्वेंशन भी बोलते हैं,
भारत इसका क्या है पार्टी है, और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसको हेल्ड करता है, मतलब इसको रेगुलेट करने का काम करता है। भारत ने इसको 1983 में साइन किया, और भारत ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया, और कहा कि हम साइबेरियन क्रेन को क्या करेंगे, उसको संरक्षण करेंगे, मरीन टर्टल को संरक्षण करेंगे, डिगोंग को संरक्षण करेंगे और रैप्टर को संरक्षण करेंगे। ये डिगोंग इसमें भी शामिल है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने टास्क फोर्स फॉर कंजर्वेशन फॉर डिगोंग के लिए क्या किया, गठित किया। तो हम आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप स्पेशली इसमें क्या रख ध्यान रखोगे, सीएमएस ध्यान रखोगे, ठीक है। और सीएमएस आपने ध्यान रख लिया, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। अब आगे चलते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जो पीएम जय, उसको 5 4 साल पूरे हो गए हैं, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण, हम इसको पढ़ लेते हैं। इसको 2018 में लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, वर्ल्ड की लार्जेस्ट योजना है। इसमें 5 लाख रुपए तक का क्या किया जाता है, आपको इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है, आप इलाज करवा सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो। इसके तहत जो भी वंचित वर्ग है वो 10.74 करोड़ इसमें शामिल हैं, सेकेंडरी और टर्सरी जो आपका इलाज होता है उसके लिए। सेंट्रलरी ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, और इसका एक कंपोनेंट है आयुष्मान भारत स्कीम। फंडिंग पैटर्न है कि स्टेट को 40 सॉरी 60-40 का रेशियो है, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, 40% स्टेट गवर्नमेंट देता है, यूटी में 90-10 का, और जहाँ पे मतलब लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ पे जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे मतलब कि उसको वहाँ पे 100% फंडिंग कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, सेंटर सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंटर सेक्टर का मतलब है कि इसमें 100% फंडिंग कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। इसके जो लाभार्थी हैं वो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसिस 2011 के अनुसार आइडेंटिफाई होते हैं, और आइडेंटिफाई कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। इसमें प्री एग्जिस्टिंग अगर आपको पहले से कोई डिसीज आपके अंदर है तो उसका भी आप इलाज करा सकते हैं अक्रॉस कंट्री, और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। और अभी अभी हाल ही में आपने न्यूज़ पढ़ी कि सरकार चाहती है कि सभी का डिजिटल रिकॉर्ड हो, सभी के पास डिजिटल डिजिटल हेल्थ आईडी हो, तो सरकार चाह रही है कि सभी के लिए डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने का काम करें, ठीक है। उसके लिए आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन बनाने पे काम चल रहा है, और उस इससे संबंधित प्रश्न पिछले प्रीलिम्स एग्जाम में आया भी था, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन है, इसको जो इनफॉर्मल जो सैनिटेशन जो वर्कर है उनके लिए एक्सटेंड किया है, ठीक है। और इनके लिए एक नमस्ते स्कीम चलाई, इसको हमने प्रीवियसली पढ़ा भी था। इसके तहत क्या होगा, फंडिंग होगी, तो नमस्ते स्कीम को आप याद रखेंगे स्पेशली, ठीक है। इंडिजिनियस टॉय को प्रमोट करने के लिए एक सुंदर सा तरीका याद किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, कहा है कि जितने भी हमारे देश में टॉय होते हैं उनको आंगनबाड़ी में आप लेके आइए, बच्चे उनसे खेलेंगे तो आपका व्यापार भी बढ़ेगा, लोगों में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और अपने कल्चर के प्रति जो छात्र हैं वो जुड़ेंगे भी, ठीक है। तो आपका जीवन यापन भी और उनका वो मार्केट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉय देखने को मिलते हैं ये आपको याद रखना है, या आपको एथिक्स में इसको कोट कर सकते हैं, और कोई एजुकेशन सिस्टम है तो उसको उसको भी यहाँ पे कोट कर सकते हैं। सबसे पहले टेराकोटा टॉय गुजरात में देखने को मिलते हैं, कुंडापल्ली और इटोक्कप्पा आंध्र प्रदेश में देखने को मिलते हैं, चन्नापटना के कर्नाटक में, और बंबू टॉय त्रिपुरा में देखने को मिलते हैं, चन्नापटना आप यहाँ देख रहे हैं, और निर्मल टॉय तेलंगाना में देखने को मिलते हैं, अटक्कप्पा कोडापल्ली कहाँ पे आंध्र प्रदेश में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे और उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ भी नहीं मिलेगा, और बेनिफिट आपको पता ही है क्या होंगे, लोग लो, जो टॉय निर्माण में जो समुदाय लगा है
उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और उसकी क्या मार्केट बनेगी और उनका जीवन यापन भी चलेगा। ठीक है, वर्तमान में हमारी जो टॉय इंडस्ट्री 1.3 बिलियन डॉलर की है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। एक्सपीरियंस लर्निंग होगी, टीम वर्क होगा, सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, लोग मैथमेटिकल स्किल सीख पाएंगे, लैंग्वेज सीख पाएंगे, साइंस सीख पाएंगे, अपने कल्चर के प्रति जुड़ेंगे और टॉय इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, इनोवेशन और उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। एशियन पाम ऑयल अलायंस बनाया है, 5 साउथ एशियन कंट्री हैं। तो किन किन ने बनाया है, उसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल हैं, क्योंकि ये एक्सपोर्टर हैं। तो इनने कहा है कि हम एक से ऐसा संगठन बनाते हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे क्या कर पाए, हम बार्गेनिंग कर पाए। ठीक है, ये एक कंट्री क्या है, एशियन अकाउंट में 40% जो ग्लोबल पाम ऑयल है उसकी डिमांड करती हैं, और इंडिया 15% के आसपास, इस 40 में से 15% के आसपास क्या करता है, इम्पोर्ट करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, एशिया इस अलायंस के बारे में ध्यान रखेंगे। उद्देश्य क्या है, ताकि जो हम जहां से इम्पोर्ट करते हैं उन कंट्री से क्या कर पाए, बार्गेनिंग कर पाए। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं सबसे पहले कहाँ कहाँ, सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में, फिर उसके बाद मलेशिया, फिर थाईलैंड में पाम ऑयल होता है। और आप एक न्यूज भी सुनी होगी कि इंडोनेशिया ने अपने पाम ऑयल के जो एक्सपोर्ट है उस पर बैन लगा दिया, तो भारत पे क्या इम्पेक्ट पड़े थे उस टाइम पे। और भारत में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में देखने को हमको मिलता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बस ये चार इंडस्ट्री जो देश हैं आपको ध्यान रखना है, और भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, सॉरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु हैं। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं कि पाम ऑयल क्या है, जो ट्री है वो क्या है। एक एडिबल वेजिटेबल ऑयल है जो पाम फ्रूट से डेवलप होता है, जो अफ्रीकन ऑयल पाम और या फिर इंडिजिनियस है, ये साउथ और सेंट्रल अमेरिका से, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये रिच होता है विटामिन ए और ई में, इसमें कोई ट्रांस फैट नहीं होता है, इसका मतलब है कि आपके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो नहीं बढ़ेगा, और आपके पास जो कार्डियो जो जो हृदय से संबंधित जो कार्डियो वस्कुलर डिसीज हैं वो भी आप बच सकते हैं। ठीक है, सरकार ने इसका इम्पोर्ट कम करें तो उसके लिए सरकार ने इसको डेवलप करने के लिए कुछ स्कीम भी चलाई थी, जैसे ऑयल पाम, जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, और ऑयल पाम एरिया एक्सपेंशन अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और इसका एमएसपी भी सरकार ने इनक्रीज किया था। तो आप स्कीम को ध्यान रखेंगे। इंडिया क्या है, लार्जेस्ट कंज्यूमर है वेजिटेबल ऑयल इन द वर्ल्ड में। पाम ऑयल इंपोर्ट में 55% हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। कुछ फैक्ट हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंडिया बिगेस्ट इंपोर्टर तो है ही, और 40% जो इस ऑयल का है वो क्या कर लेता है, कंज्यूम हो जाता है, पूड़ी वगैरह, समोसे वगैरह तलने में यूज हो जाता है। एनुअल नीड का 8.3 जो मीट्रिक टन है हमारी एनुअल नीड, उसमें से हाफ तो मतलब 50% हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, इंडोनेशिया से, और इंडोनेशिया मलेशिया 90% ग्लोबल पाम ऑयल प्रोडक्शन में अपनी हिस्सेदारी देते हैं। ठीक है, इंडोनेशिया लार्जेस्ट क्वांटिटी का क्या है, प्रोड्यूसर है, 45 मिलियन टन 2021 में इसने प्रोड्यूस किया। इंडोनेशिया 60% ग्लोबल सप्लाई का पाम ऑयल में हिस्सा रखता है। ठीक है, और पाम ऑयल 40% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई मोस्ट वाइडली यूज एडिबल ऑयल, जो कहाँ से आता है, पाम से आता है, सोयाबीन से आता है, रेपसीड से आता है, और सनफ्लावर से आता है 40%। तो इन फैक्टरों को आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब नीति आयोग चाह रहा है कि हम पानी को ट्रेड करें जैसे सोने चांदी को ट्रेड करते हैं। तो नीति आयोग एक पॉलिसी पे काम कर रहा है, अभी कुछ आया नहीं है जिसको हम बाइंग और सेलिंग कर पाएंगे। तो लोग क्या कर पाएंगे, एक इसको हम किराए पे दे पाएंगे, जैसे हम सोना चांदी लेते हैं ना, वैसे इसको पानी को किराए पे दे पाएंगे, क्योंकि वो दिन हमने अब बाया ना, क्यों, हमने उसका गलत तरीके से दोहन किया है। और ऐसी प्रैक्टिस ऑस्ट्रेलिया, चिले और यूएसए में भी देखने को मिलती है।
ठीक है। और 2020 में जो फर्स्ट बार्टर को ट्रेड वेल बनाया गया था वो शिकागो स्टॉक एक्सचेंज में, इसके बेनिफिट क्या होंगे? आपको उसकी कीमत पता चलेगी पानी की, तो आप एफिशिएंसी तरीके से यूज कर पाएंगे, आप वाटर को सेविंग करेंगे। अभी हम सेविंग नहीं करते हैं, उसको मैनेज कर पाएंगे, वाटर को यूज कर पाएंगे। गवर्नमेंट का एक्सपेंस कम होगा और सूखे के रिलीफ में संबंध में भी क्या आएंगी, कमी आएंगी। अगर सेविंग करोगे तो सूखा नहीं पड़ेंगे। इंश्योर फार्मर के जो हित हैं वो भी इंश्योर होंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वाटर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। कंसर्न क्या है कि अगर आपने वाटर को एक ट्रेडेबल वस्तु बना दिया तो राजनीतिक दल हैं वो क्या करेंगे, उसको सेंसिटिव रूप से लेंगे, और पुअर जो कि पुअर और जो वंचित वर्ग हैं उनको पीने का पानी भी अब पैसों से मिलेगा। वाटर कुछ धार्मिक समुदायों के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है, जैसे भारत के लिए जैसे हिंदू समुदाय है वो गंगा मैया के रूप में देखने को मिलता है, और अन्य समुदाय है वो भी देखने को दिखते हैं। इससे क्या होगा, वाटर का निजीकरण होगा, मतलब कि वाटर एक पब्लिक गुड है और उस पर एक ह्यूमन राइट भी निर्धारित होते हैं, लोगों का गरिमापूर्ण जीवन में क्या है भी निर्धारित होता है। वाटर सबसे जीवन की महत्वपूर्ण क्या है, कड़ी है, जिसको हम आज मंगल पे क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं विभिन्न मिशनों में के द्वारा, ठीक है। तो ये मुद्दा था, अगर आपको इन फ्यूचर ऐसा प्रश्न आता है तो आप इसके बारे में उसके पॉजिटिव और निगेटिव लिख सकते हैं। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने कुछ कंपनी के लिए जो CSR एक्टिविटी होती है उसमें कुछ रूल में अमेंड किया है। CSR के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी है कि आपकी नेट नेट जो बर्थ है वो 500 करोड़ होनी चाहिए, या जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ होना चाहिए, या आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ होना चाहिए, और आपने 3 साल में जो भी ये काम किया है उसका 2% आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट का CSR एक्टिविटी में डोनेट करोगे, मतलब करवाओगे। इसका मतलब है कि सामाजिक उत्थान करोगे, सामाजिक का समाज का एम्पावरमेंट करोगे, ठीक है। अभी जो नए अमेंडमेंट रूल आए हैं उनने बोला है कि आपने आपके पास जो फंड है आपने उस फंड में से कुछ स्पेंट नहीं किया है, जो अनस्पेंट फंड बचा है उसको 3 फाइनेंशियल ईयर में उसको खत्म करने का क्या करोगे, यूटिलाइज करने का काम करोगे, और एक CSR कमेटी स्टेब्लिश आप करोगे, ठीक है, ताकि इस कार्य को वो इम्प्लीमेंट कर सके। दूसरी बात ये बोली है कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, आप CSR स्पेंडिंग 2.5% जो टोटल CSR एक्टिविटी है उसका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में नहीं करोगे, इससे 2.5% से ज़्यादा, या 50 लाख जो भी मतलब कि हायर हो, रिलेवेंट हो फाइनेंशियर में, वो आप देखोगे, या तो 2.5% CSR फंड का, या तो 50 लाख, ठीक है। पहले क्या था, ये 5% था और 50 लाख, जो इसमें जिसमें से इन दोनों में से जो कम हो, ठीक है, वो देखते थे। अब कहा गया है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट मैंडेटरी है किनके लिए, जिनकी बिजनेस 10 करोड़ या उससे अधिक है, CSR बजट के लिए काम करते हैं, और इनका आउटले किसी प्रोजेक्ट के लिए 1 करोड़ या अधिक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एनुअल रिपोर्ट आप CSR एक्टिविटी की बोर्ड को दोगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा बेसिक्स। अब कॉमर्शियल पेपर चर्चा में है, सेबी ने अलाउ किया है कि रिट्स, रिट्स मतलब होता है ई स्टेट ट्रस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, आप नेट वर्थ का 100 करोड़ हायर आप कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकते हो। रिट और इनविट एक्चुअली क्या है, एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, उसमें आप भी जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक रियल एस्टेट के लिए है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए है, बस दोनों में क्या है, म्यूचुअल फंड है, ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो। कॉमर्शियल पेपर एक्चुअली क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, एक कंपनी अब जो फंड होता है उनको गेन करने के लिए जारी करते हैं, ये 1 साल तक के लिए होते हैं, अनसिक्योर मनी होती है, इसमें आपको कोलेट्रल देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अगर कोलेट्रल नहीं दोगे तो आपको कोई पैसा लेके भाग जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे,
इसलिए इसको बोलते हैं अनसिक्योर मनी है, प्रोमिसरी नोट की तरह काम करते हैं और ये डिस्काउंट टू फेस वैल्यू पे ऑफर किए जाते हैं। तो इस बात को आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है। अब ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री है उसमें उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने कुछ अमेंडमेंट किए हैं। जैसे अभी टाटा के जो जिनको अभी एक्सीडेंट हुआ, उनका कॉज था कि उनने सीट बेल्ट नहीं पहना था। और अभी जो गाड़ियों में सिस्टम आ रहा है वो ये है कि अभी सीट बेल्ट मतलब जो ड्राइवर होता है, को ड्राइवर होता है, अगर वो दोनों नहीं पहनते हैं तो वो अलार्म बजेगा और पीछे वालों के लिए अलार्म नहीं बजता है। तो सरकार ये चाहती है कि पीछे वालों के लिए भी अलार्म बजे, तो ताकि चारों लोग क्या पहने, सीट बेल्ट पहने, और जिससे पैसेंजर की जो एक्सीडेंट होता है तो उसमें उनकी मृत्यु होने से उनकी बचाई जा सके, ठीक है। तो ये न्यूज है, ये यूएन रेगुलेशन नंबर 16 के अंतर्गत आता है, ठीक है, बस इतना से ध्यान रखना है। अब 5G सी बैंड स्पेक्ट्रम चर्चा में है हमारे देश में। 5G से संबंधित स्पेक्ट्रम की क्या हो रही है, नीलामी हो रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविनेशन ने कुछ कंसर्न किए हैं, क्यों किए हैं, क्योंकि 5G सी स्पेक्ट्रम क्या, सी बैंड स्पेक्ट्रम पे क्या होता है, एक्चुअली रेडियो अल्टीमीटर होता है। ये काम करता है जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं उसको हाइट अबव ट्रेन इंफॉर्मेशन देता है, जो ट्रेन होता है जो ऊंच नीच से संबंधित हमारी जो जमीन होती है उसकी इंफॉर्मेशन देता है, ताकि वो लैंड आसानी से कर सकें, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये जो काम करता है सी बैंड 3.7 4.2 GHz पे काम करता है, और इसी बैंड पे 5G स्पीड और बेटर कवरेज हमको देखने को मिलता है। तो इनने कंसर्न किया है कि अगर आप ये काम इनको इस बैंड पे अगर 5G चलाओगे तो हमारे जो एयरक्राफ्ट जो रूट्स हैं एयरक्राफ्ट से संबंधित वो बाधित होंगे, इसमें लैंडिंग होने में समस्या आएगी। आपने न्यूज़ सुनी होगी कि अमेरिका में 5G संबंधित उसको मतलब कि 5G से संबंधित अगर उन्होंने सी बैंड को ऑक्शन किया, तो जो कुछ घटनाएं देखने को मिली कि जो एयरक्राफ्ट थे वो लैंडिंग करने में उनमें समस्याएं देखने को मिली और अपना रूट वो क्या हो रहे थे, सही से लैंडिंग वहां पे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको डेटा नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस बेल्ट पे कौन काम कर रहा था, 5G काम कर रहा था, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे ये वाला इसको सी बैंड बोलते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, पुनीत सागर अभियान चलाया है यूनेप ने, और नेशनल कैडेट क्रॉप के साथ समझौता किया है ताकि प्लास्टिक्स जो पॉल्यूशन है उसको दूर कर सकें, जैसे आप ये हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि एनसीसी क्या है। तो एनसीसी 1948 में फेम हुआ था, कुंजरू कमेटी 1946 की रिकमेंडेशन के आधार पर। ब्रिटिश इरा में इसके रूट्स देखने को मिलते हैं, क्यों, क्योंकि यूथ एंटिटी को यूनिवर्सिटी कॉप यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग में शामिल किया गया था, और जो आर्मी में कुछ कमी हो रही थी तो उसके लिए इनने एस्टेब्लिश किया एनसीसी, ठीक है। और अंडर इंडियन डिफेंस एक्ट 1917 के तहत इसको यूनिवर्सिटी कॉप के रूप में दर्जा दिया गया। 1949 में इसमें लड़कियों को भी गर्ल्स को भी शामिल किया गया, ठीक है। और कंट्री की एक सेकेंड लाइन क्या है, डिफेंस है। 14 लाख कैडेट हमको देखने को मिलते हैं जो आर्मी नेवी और एयरफोर्स से हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल चर्चा में है। ब्रह्मोस मिसाइल चर्चा में है वो महत्वपूर्ण नहीं है, हम पढ़ लेते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल 2 स्टेज मिसाइल है, ये फर्स्ट स्टेज में सॉलिड देखने को मिलता है, सेकेंड में लिक्विड रैमजेट। रैमजेट एक्चुअली क्या है, जैसे आप ये देख पा रहे हो, यहाँ से हवा आएगी तो इधर जो चलेगा तो हवा को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो इस आधार पर ये स्पीड अपनी तय करेगा, ठीक है, इसको समझेंगे। तो ये एक्चुअली क्या है, 2.8 मैक स्पीड होती है, ठीक है। मिसाइल क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल मतलब ये है कि ऐसे चलती है, इसको ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है, जबकि जो बैलास्टिक मिसाइल है वो ऐसे चलती है। तो अब इसका एक पाथ होता है तो इसको आसानी से जो रडार होते हैं वो ट्रैक कर पाते हैं, जबकि इसको ट्रैक नहीं कर पाते, इसका स्पेशल कोई पाथ नहीं होता है। तो हमने दोनों बातें समझ ली। अब ब्रह्मपुत्र, इसको ब्रह्मपुत्रा और जो मॉस्कोवा नदी है रूस की उसके डिजाइन किया गया, इसका नाम इंडिया और रसिया का जॉइंट कॉपरेशन है। इसको फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम किया जाता है, दागो और भूल जाओ, फिर हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है।
और इसको लैंड, एयर, सी और अंडर वाटर से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, चलो दोबार टेक्निक चर्चा में है। तो वर्नोन दोबार चले गए हैं, तो उनकी याद में एक टेक्निक नाम रख दिया दोबार टेक्निक। ये क्या है, जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनके पैटर्न को पता करने के लिए सैटेलाइट सीरीज, जो सैटेलाइट इमेज होते हैं उन पे काम करती है। ठीक है, ट्रॉपिकल सिस्टम पे काम करती है। इसमें 1 to 8 स्केल पे उसको टी नंबर बोलते हैं, टी नंबर ध्यान रखना। और जो करंट इंटेंसिटी होती है किसी साइक्लोन की आउटपुट में, तो उसको CI नंबर बोलते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, सस्टेबल एविएशन फ्यूल चर्चा में है, बाई इसको बायो फ्यूल बोलते हैं। और जो हमारे एविएशन सेक्टर है उसमें इसका यूज करेंगे, तो हमारा जो कार्बन अमीशन है वो 80% तक क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो जब आएगा तब हम इसको देखेंगे। ठीक है, इसको वेस्ट फीड और नॉन फूड क्रॉप से जनरेट किया जाएगा, इस बात को हम समझेंगे। ठीक है, जब स्पेशली इसका पूरा आ जाएगा तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूजीलैंड ने कहा है कि सिंपल लैंग्वेज को एक बिल लेके आया है, कि सरकार की लैंग्वेज बहुत सिंपल होनी चाहिए ताकि नागरिकों को समझ में आए, उनकी मत संचार स्थापित हो और नागरिकों का सरकार के ऊपर विश्वास हो। ठीक है, इससे क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और समावेशिता लोगों की बढ़ती है। ये जो मूवमेंट है वो 1920 में यूके, यूएस और कनाडा में देखने को मिला। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, शॉर्टर सेंटेंस होते हैं, छोटे छोटे सिंपल होते हैं, ताकि लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो इस दिशा में भारत को भी कदम रखना चाहिए। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज पे बात करनी चाहिए, हिंदी को बहुत सिंपल करना चाहिए, इंग्लिश को भी बहुत सिंपल करना चाहिए, ताकि आम लोगों को समझ में आए। और अगर आम लोगों की बातें, अगर सरकार की बातें आम लोगों को समझ में आती हैं, तो सरकार के ऊपर उनका विश्वास बढ़ता है और सरकार की कार्य जो जो उनकी जो क्रिया विधि होती है उसको समझने में कार्य करते हैं, और लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। ये हमारा न्यूजीलैंड है, ये बिलिंगटन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में, ठीक है, ये तस्मानिया सी है। ठीक है, सॉरी, तो जो महत्वपूर्ण है वो बता देता हूँ, बाकी आपको जो वैल्यूएशन रहता है वो आपको देखना है। तो ये तो हमें देखना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, डिटेल में कुछ भी पढ़ते रहो। ठीक, यूपी में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें एक दिन महिलाओं के लिए अलॉट किया गया था, काफी अच्छी पहल है। क्यों किया गया था, क्योंकि महिलाएं अपने जो उनकी मुद्दे हैं उसके बारे में बोल सकें। ठीक है, उसमें कई बातें बोली भी गई, और स्पीकर सतीश महाना ने इस डिबेट को, सेशन को चालू किया, और महिलाओं ने इसके संबंध में कई बातें बोली, पर पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में बात की और जो वो इश्यू फेस करती हैं उसके बारे में बात की। तो आप इसको कहीं पे कोट कर सकते हैं। ठीक है, जो महिलाओं से संबंधित मुद्दा आता है तो सरकार के प्रयास में इसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया चर्चा में था, 100 पीपलों से ज्यादा उनकी गिरफ्तारी हो गई है, NIA ने की है। NIA की इन्वेस्टिंग एजेंसी है, जो जो आतंकवादी घटना है उनको मॉनिटर करती है। क्यों इनकी गिरफ्तारी हुई, कि एंटी टेरर एक्टिविटी में संलिप्त थी। एनपी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 2007 में इसका स्टेब्लिश हुआ, नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट का सक्सेसर है। और ये अपने आप को बोलता है कि न्यू सोशल मूवमेंट है हम, मतलब कि जो समाज में जो वंचित वर्ग है उनको एम्पावर करने का क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और ये वायलेंस मतलब कि हिंसा, ठीक है, और एलिगेशन संबंध, मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी के शामिल थे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। बस इतनी सी न्यूज पढ़ना है, बाकी इस पे 10 20 25 आधा घंटा बिता दोगे, कई यूट्यूब चैनल देखे होंगे आपने, कोई एक टॉपिक जो एग्जाम का काम का है नहीं है उसमें 10 15 20 घंटे बिता देते हैं, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको वो चीज देखनी है जो आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, चलो डार्ट मिशन चर्चा में है, इसको पहले भी पढ़ा। डार्ट मिशन का मूल उद्देश्य, जो एस्ट्रॉइड हमारे पृथ्वी के पास आ रहे हैं उनको पृथ्वी का उनसे संरक्षण किया जा सके, जैसे ये डार्ट है। दो एस्ट्रॉइड चर्चा में है, जिसको डिमॉर्फोस बोलते हैं और डेडिमस बोलते हैं। इनको क्या करेगा, ये इनकी डायरेक्शन चेंज करेगा ताकि जो पृथ्वी कक्षा में ना आए, ठीक है, इनको दूर करने का प्रयास करें। ठीक है, तो बस इन दो याद रखना, डिमॉर्फोस और डेडिमस। ठीक है, इसको कौन, किसने लॉन्च किया, नासा ने। एक व्यक्ति चर्चा में है,
कमोडिया के हैं, इन्हें रूल किया था 1975 से 79 तक। इनके रूल के दौरान कई एट्रोसिटी हुई, तो इसके इनकी एट्रोसिटी को एग्जामिन करने के लिए अब एक कमीशन इस्टेब्लिश किया, इसी चर्चा में है। ये कम्बोडिया देख पा रहे होंगे, थाईलैंड है, लाओस है और वियतनाम से इसकी सीमा करती है। गल्फ ऑफ कम्बोडिया बोलते हैं। यहाँ पे करा कैनाल भी है, ठीक है, यहाँ पे टोनले लेक भी है, तो आप इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी जो किर्गिस्तान है और तजिकिस्तान है, उनके मध्य डिस्प्यूट हो गया, क्यों, जो नेचुरल रिसोर्स है उनके यूज को लेकर। तो ये वाला रीजन है, वो वहाँ पे डिस्प्यूट हुआ, तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और ताजिकिस्तान की राजधानी दस्ताने वे है, ठीक है। तजिकिस्तान कहाँ से लगता है, उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान से लगता है कजाकिस्तान से, नहीं लगता है, ये कजाकिस्तान से लगता है किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान से लगता है, चाइना से लगता है, और इधर नीचे भारत से भी ये लगता है तिर्किस्तान, ठीक है, और इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान, ठीक है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण न्यूज़ थी, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।